ये है वाइल्ड जास्मिन क्लेरोडेंड्रम इनर में, इसका साइंटिफिक नेम है बोटानिकल। तो इसका रिपोर्टिंग के बाद ग्रोथ ज़्यादा हो गया है, शायद एक बार मैंने ट्रिमिंग भी किया है, ये दूसरा ग्रोथ है। तो ये इसका ग्रोथ हमें बैलेंस करने के लिए ट्रिमिंग चाहिए। अभी इसका ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है, तो अगर हमने ट्रिमिंग किया तो दूसरा ग्रोथ जल्दी से होगा और हमें नई ब्रांच स्ट्रक्चर मिलेगा। जो भी ब्रांच, उसकी ब्रांच का प्रॉब्लम है कि ये स्ट्रेट में ही बढ़ेगी और एक साथ दो लीफ है तो दोनों जगह से स्प्राउटिंग होगी। तो हमें तो बोनसाई में एक ही जगह से दो, एक ही लाइन में दो जगह से ग्रोथ नहीं चाहिए, तो उसके लिए यहाँ थोड़ा बैलेंस करना होता है। एक बार यहाँ काटा तो दूसरी, यहाँ से दो निकले तो इसको एक नीचे के इंटरनोड, दूसरी ब्रांच को ऊपर के और दूसरा इंटरनोड में काटे तो बैलेंस ग्रोथ रहता है। ये बहुत ही वाइल्ड प्लांट है, यहाँ ये गार्डन की बाउंड्री वॉल बनाने भी काम आता है, उसमें वाइट कलर के फ्लावरिंग भी होती है और बेरी भी आती है ग्रीन कलर की। यहाँ तो अभी तक नहीं आई, अगर उसका प्लांट का हेल्थ अच्छा हो तो आती होगी शायद। तो ट्रिमिंग बहुत ज़रूरी है बैलेंस ग्रोथ के लिए। और ट्रिमिंग से ही ब्रांच स्ट्रक्चर मिलेगा यहाँ, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम मैंने बताई आपको कि एक ही जगह से दोनों तरफ स्प्राउटिंग होती है। तो एक बार ये एक ओर के ब्रांच में जो ग्रोथ होगा वो रखेंगे और दूसरी बार ग्रोथ हुआ तो दूसरी ओर के ब्रांच का रखना पड़ेगा। ऐसे ही इसका ब्रांच स्ट्रक्चर बनेगा। ये मैंने वाइल्ड हार्वेस्टिंग से ही लगाया है, उसकी ज़्यादा फाइबर रूट जैसा नहीं बनता, मगर ये इजी सर्वाइव है, उसकी ब्रांच कटिंग भी हो जाती है। तो सिंपल है, सभी ब्रांच को हटाना है हमें। शेप तो पहले से थोड़ा बना हुआ है, उसी को हमें शेप देते रहना है। एक बार प्लांट हमारे डिजायर शेप में आ जाए, बाद में तो हमें सिर्फ पिंचिंग या ट्रिमिंग ही करते रहना है। और निचली ब्रांच मैंने क्यों रखी है, सबको पसंद भी नहीं आएगी, मगर मैंने रखी है क्योंकि अगर मैंने उसको लैंडस्केप में रखा, उस वक्त के लिए मैंने रखी है, लैंडस्केप से नीचे रॉक के नीचे से मैं ला सकता हूँ, तो एक अच्छा ब्रांच स्ट्रक्चर के साथ एक अच्छा लैंडस्केप बन सकता है, इसलिए मैंने ये नीचे वाली ब्रांच रखी है, उसका ग्रोथ भी अच्छा है। तो रेगुलर ट्रिमिंग ज़रूरी है, तभी इस प्लांट में ब्रांच स्ट्रक्चर बन पाएगा, नहीं तो ऐसे ही वाइगोर हो जाएगा और शेप अच्छा नहीं बनेगा। तो देखिए दोस्तों, हमने ट्रिमिंग कर दी है और ये थोड़ा शेप में भी आ गया है, देखिए। थोड़ा सा झुका हुआ लगता है, ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ हम कुछ फंसा देंगे, कोई स्टोन, ओके। अब
ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, हो सके तो शेयर भी करें दोस्तों जो बोनसाई सीख रहे हैं।